press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. किरदार के बारे में थोड़ा सा बताइए, कितना प्रिपेयर करना पड़ा? एक मैरिड वुमन का किरदार निभाने वाली है आप इसमें, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में कि किस तरह का किरदार है। अनन्या जो है वो शुरू से इंडिपेंडेंट वुमन रही है, यू नो, एंड शी वाज इन लव विद अ मैरिड मैन इन सीजन वन, और उसको हमेशा से एक वैलिडेशन चाहिए था अपनी शादी के लिए। तो सीजन टू में, मतलब सीजन वन के बिगनिंग में शादी हो गई। सीजन टू इज़ ऑल अबाउट अनन्याज इंडिपेंडेंस, यू नो, एंड रोहित की ज़िंदगी में प्रायोरिटी बनना, जो वो नहीं बन पाई, इसीलिए वो उसे छोड़कर चली गई थी सीजन वन में। सो सीजन टू में यू विल सी अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड हाउ अ वुमन should never leave her job just because she is married, you know? बिल्कुल, मैं अभी तक मिली नहीं हूँ रवि से, बिकॉज मैं ऑस्ट्रेलिया में थी फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ, तो अब मैं वापस आई हूँ। आई एम जस्ट डाइंग टू सी द बेबी यार। एकता के, यू नो, चेहरे पे एक अलग ग्लो है, इट्स अ ब्यूटिफुल फेस दैट शी इज गोइंग थ्रू, एंड आई विश हर अ लॉट ऑफ लव। कि कहने को हम सफर का सीजन टू आ गया, आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, बिकॉज सीजन टू इज ऑलवेज अ गुड न्यूज़ फॉर एवरीबडी, फॉर व्यूअर्स, फॉर प्रोड्यूसर्स, फॉर एक्टर्स, फॉर राइटर्स, बिकॉज यू आर टेकिंग द स्टोरी फॉरवर्ड, एंड ऑल्सो द फैक्ट कि आपकी स्टोरी को अप्रिशिएट किया गया है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि 14 फरवरी कब आएगा और कब रिलीज होगा। काफ़ी लोग मुझे मैसेज करते रहते हैं इनबॉक्स में, मेल्स में, दैट व्हाई आरंट यू डूइंग टीवी, हम वेब शो नहीं देख पाते। आई डोंट नो, अभी तक लोगों को ज़्यादा आदत नहीं है इन स्मॉल टाउन्स की वेब शोज़ देखें। आई डू मिस बीइंग ऑन टीवी, बट वेब शोज़ की गंदी आदत लग गई है मुझे, 3 महीने काम करो फिर छुट्टी। सो आई एम एंजॉइंग इट। वैलेंटाइन भी आने वाला है, आपका क्या प्लान है इस साल? शूट है उस दिन, नाइट शिफ्ट। आ जाओ।